हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मिश्रण वाला। दोस्तों, मिश्रण के पार्ट वन पार्ट टू हो चुके हैं और पार्ट थ्री है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मिश्रण का भाग टू अपलोड किया हुआ है और जिसमें छः क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ से आएगा बोर्ड से, क्योंकि छः क्वेश्चन के बाद हवा चल गई, कॉपी पे नहीं जम रहा था काम। तो सातवें क्वेश्चन से हम बोर्ड पे बताएंगे आपको। देखिए, क्वेश्चन अपना है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 35% हो जाए, है ना। तो दोस्तों, वेरी एलिगेशन वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये सातवां क्वेश्चन यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन यहाँ से, 30% सांद्रता, 30% और 50%, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया कि 35% ये बहुत अच्छा दिखेगा आपको बोर्ड पे और अच्छी तरह समझ में आएगा भी सही। देखिए, तो अब ये ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर माइनस भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ अगर 30 में से 35 घटा देंगे माइनस का 5 नहीं, प्लस का ही 5 लिखेंगे आप, प्लस का ही 5 लिखेंगे। एलिगेशन में हमेशा प्लस ही लिखा जाता है, माइनस बहुत कम लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो वैसे अपन 50 में से 35 घटाएं तो 15 बचा, और 35 में 30 घटाएं तो 5 बचा। काट दो इसको, 5 से कम 5, 5 से 15 3 अनुपात 1, क्या आंसर आया? 3:1, एक चुटकी में आंसर आया, चुटकी में एक चुटकी बजाय 13 में आंसर आ जाएगा। ट्रिक ऐसी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हाल समझा चुका हूँ, देखिए उसको भी देख सकते हैं एक बार। वो इसी तरह का एक क्वेश्चन और अभी पहले कुछ ही देर पहले मैंने वीडियो में बताया, वही एक क्वेश्चन एक बार बता दें आपको कि 30% एल्कोहल की मात्रा वाले शराब को 23% एल्कोहल में मिलाने पर नए मिश्रण में 26% हो जाता है। देखो कि 30% है और ये 23% है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि 26% हो जाए। अब ध्यान रखना, बड़ी में छोटी घटाएंगे, 30 में 26 घटाएं कितने बचे? 4 बचे। 26 में 23 गए कितने बचे? 3 बचे। तो 3:4 कटते नहीं है, 3:4 इज द राइट आंसर, एक सेकेंड में आंसर आएगा, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब बहुत इजी वेरी क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति के पास सैकड़ा हज़ार 10,000,000 1,00,000 रुपए थे, उसने कुछ धन को 9% ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर पे दिया और शेष धन को उसने 10% साधारण ब्याज की दर पे उधार दिया लोगों को। अब इस तरह उसने कुल कितने कमाए? 9,400 रुपए कमाए वार्षिक आय के रूप में। तो बताओ कि 10% पर जो उसने कितनी राशि उधार दी, 10% पर कितनी राशि उसने उधार दी, ये आपको बताना। तो देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। पहले तो भाग फर्स्ट वाला सेकंड वाला भाग देखा है ना, ठीक है। पहले 9% कुछ तो उसने 9% पे दी और कुछ उसने 10% पे दी, ठीक है। आप दोनों पे मिलके उसको देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसने फुल परसेंटेज नहीं दिया, उसने कितना परसेंट उसको लाभ हुआ ये नहीं दिया उसने, इसलिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा।
अगर परसेंटेज देता तो यहाँ लिखते, परसेंटेज नहीं दिया इसलिए अपनों को राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपनों को राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो राशि में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए अपने पास 1,00,000 रुपये है। अब 1,00,000 का 9% निकाले पहले, तो पहले 9% पे कितना राशि आएगी, 9% में कितनी दी उसने, है ना। तो 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 9 का गुणा 1 में 3 सिपर, यानी कि 9,000 दिए। फिर इसी तरह 10% में कितनी दी उसने, 1,00,000 का 10% सिपर कट गई, सिपर कट गई, और ये कितना 1, 2, 3, 4 इक्कीस दाई सैकड़ा 10,000 रुपये दिए। सैकड़ा 10,000 लाख दस हजार रुपये ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ उसके पास भी होगा, है कि नहीं। ये तो उसको आमदनी प्राप्त हो रही है, आमदनी प्राप्त हो रही है, ये उसको ब्याज मिल रहा है, तो ये तो इसको ब्याज मिल रहा है, कुल राशि नहीं है, राशि नहीं है। अपन ये राशि समझ रहे थे कि यार ये 9,000 10,000 19,000 ही हो रहे, राशि नहीं है ये, तो उसका ब्याज है कि जो 9% पे दिया उसका 9,000 मिला, और जो बाकी रहा उसको मिला 10,000 ब्याज मिला, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। अपनों को राशि में देखना, ये 9% ब्याज है, साधारण ब्याज निकाला उसने एक वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये 9,000 रुपये 10,000 रुपये ध्यान रखना, ब्याज, ये ब्याज है, उस राशि नहीं है, ठीक है। तो 9,000 और 10,000 ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले 9% पे उसने दी, देखो 9% पे कितने दी, 9,000, और इधर दी उसने 10,000, और दोनों की कामन उसकी इनकम हुई 9,400। ये कामन उसकी इनकम कितनी हुई, 9,400 हुई, ठीक है, ध्यान रखना। कुल इनकम उसकी उसकी कितनी हुई, 9,400 हुई। तो देखो 9,400 हुई। अब इसका एलिगेशन लगाएंगे, ये 9,000 9,400 बड़ी संख्या 10,000 10,000 में से 9,400 गए तो इधर कितने बचे, 600 बचे, और 9,400 में 9,000 गए तो इधर कितने बचे, 400 बचे। तो 2 सिपर तो ये कट गई, 2 × 4 × 2 = 6 3:2 ये बचा। अब वो क्या कह रहा है कि 10% में उसने कितनी राशि उधार दी, ये पूछा उसने, तो ये 9% का मान है और ये 10% का मान है, तो 10% का अनुपात कितना है, 2 है। इधर वाला आएगा, ध्यान रखना, जितना अनुपात इधर आए वो इसका उस राशि का अनुपात है, और इधर आए 9% का मान पूछे तो 3 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने 10% पे कितनी राशि दी, 2, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या करना, 2 दिया ना, तो 2 ऊपर रहेगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और कुल राशि अपनी 1,00,000। अब काट पीट कर दो, 5 से काटा, 5 × 2 = 10 1, 2, 3, 4 ये 4 सिपर आ गई, 20,000, और 20,000 × 40,000 ये इसका आंसर आ गया, 40,000 इसका आंसर आ गया। आई होप कि सुनने आगे होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना, नो पहले इस पर राशि निकाल लेना। अगर वो परसेंटेज देता तो यहाँ लिखते, परसेंटेज नहीं दिया उसने, राशि दी, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, परसेंटेज नहीं दिया यहाँ उसने, इसलिए फिर राशि निकालनी पड़ी, ब्याज निकालना पड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी ने 220 किलोग्राम गेहूँ कुछ मात्रा 20% पे दी और कुछ 9% भी दी, बेची, इस तरह उस कुछ 13% भी दी, 9% भी दी और इस तरह उसको 13% लाभ हुआ था। अब सब चीज़ें परसेंट में हैं, देखो 20% कुल तो उसके पास 220 kg है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या करा कि कुछ गेहूँ तो उसने 20% भी दिए 20% पे और कुछ इसने दिए 9% पे, तो उसको इस तरह कितना लाभ हुआ 13%। अब यहाँ ये भी परसेंट, ये भी तीनों परसेंट है, इसलिए यहाँ राशि निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ठीक है, ध्यान रखिए। अब जो बड़ी चीज़ हो, 20 में 13 गए तो कितने बचे 7, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, 4 अनुपात 7 कितना अनुपात आया 4:7 आ गया। अब वो क्या पूछ रहे, देखो कि 9% लाभ पर उसने कितने गेहूँ बेचे, अब 9% लाभ इधर की पूछ रहा, यानी कि 7, तो ये 7 ऊपर रखना, वो 7 नीचे 11 नीचे रखना, और कुल कितना है 220, ये ऊपर रखना, 11 × 11 = 22, 20, 2 × 7 = 14, 140 kg, ठीक, ये इसका आंसर हो गया 140 किलोग्राम। आइए आपके सोन में आ गया, अगला क्वेश्चन देखो। एक 150 किलोग्राम शक्कर उसने 15% पे लाभ पे बेची कुछ, और बाकी शेष बची उसने 5% हानि पे बेच दी। अब हानि भी है हुई, शक्कर खराब हो गई होगी, तो अच्छे अच्छा माल तो उसने 15% बेच दिया, लेकिन कुछ माल खराब हो गया तो 5% भी हानि पे बेच दिया उसने, तो भी उसको 7% लाभ हुआ, तो 5% हानि पर कितना बेचा ये पूछा उसने, तो कुल कितनी थी 150 kg, कुल 150 kg शक्कर, ठीक है, 150 किलोग्राम शक्कर थी, कुछ तो उसने 15% लाभ पर, ये लाभ पर, और 5% हानि, तो दोस्तों हानि तो अपन माइनस में लिखेंगे यहाँ, ध्यान रखना, ठीक है, और नहीं घटाने पे माइनस आया तो वो माइनस नहीं लिखा जाए, ध्यान रखना, लेकिन पहले अगर माइनस आ रहा तो वो तो लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या कह रहा है, इस तरह उसको 7% का कुल लाभ हुआ, ठीक है, कुल लाभ कितना हो रहा है उसको 7% का हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 15 में 7 गए तो कितने बचे 8% बचे, और 7 में से 5, अब देखो यह ध्यान रखना, 7 - 5 ये ध्यान रखना, 7 - -5 ये घटाएंगे अपन, है ना, 7 - 5 - 5 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 12, ये ध्यान रखना, यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, और 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 2, 3 × 2 = 2 आया, 3 × 2 = 2 आया। अब क्या कहा कि 5% हानि पर कितनी राशि बेची, तो दोस्तों हानि वाली राशि इधर है 2, तो 2 तो 2 ऊपर आएगा, और 3 × 2 = 5, कितनी 150 किलोग्राम, तो 5 से काटा, 5 × 3 = 15, 30 × 2 = 60, 60 kg ये आंसर आएगा इसका, 60 किलोग्राम। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 60 किलोग्राम चावल, हाँ वही कोई क्वेश्चन है, इसके पास कितना किलोग्राम है? कुल 60 किलोग्राम चावल, किसी व्यक्ति के पास 60 किलोग्राम चावल है, कितने हैं 60 किलोग्राम, और उसने क्या करा कि 20% कुछ तो 20% लाभ पे बेच दिया और बाकी 5% हानि पे बेचा, 10% लाभ पर, देखो कुछ तो उसने 10% लाभ पर बेचा और 5% हानि, ये हानि का भी यहाँ आएगा नीचे ध्यान रखना, ठीक है, और इस तरह उसको 7% लाभ प्राप्त हुआ, तो 5% हानि पर कितने चावल बेचे उसने, देखो 10 में 7 गए कितने बचे 3, 7 में 5, देखो भैया ध्यान रखना, 7 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 12 ध्यान रखना, 3 से काटा 3 एकम 3 चौक 12 4 अनुपात 1 कितना हो गया, 4 अनुपात 1 हो गया। अब कह रहा है कि 5% हानि पर कितने बेचे, ये 5 हानि इधर है 1, तो 1 ऊपर आएगा 4 ने 5 आएगा और कितना 60 kg, 5 से काटा 12, हाँ आंसर 12 kg, तो आंसर कितना आएगा उसको 12 किलोग्राम, आई होप कि समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन और बचा, देख ले लास्ट तक देखते रहिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 200 छात्र है, एक कक्षा 200 छात्र, ठीक है 75% लड़के और 85% लड़कियां, देखो लड़के कितने 75% और लड़कियां 85%, तो उनमें से कितने परसेंट 75% पूल विद्यार्थी पास हो गए, 75% तो पास हो गए, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 85 में से 75 गए कितने बचे 8 और 75 गए तो 2%, 2 से काटा 2 चौक 8 1:4 1:4। अब क्या पूछा उसने, लड़कों की संख्या पूछी, लड़कों की संख्या ये वाली है 75%, तो इधर कितना अनुपात आया 1:1 एक ऊपर रहेगा 4 ने 5 कुल कितना 200, 5 से काटा 5 चौक 20 40 लड़कों की संख्या कितनी होगी 40। पचहत्तर 85 में से 8 इसको अपने गलत तब लिख दिया, ध्यान रखना गलत तब लिख दिया, एक बार और ध्यान रखें, देखते 85 में 77 गए तो 8 इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो 77 में तो 75 गया तो 2 बचे, 2 एकम 2 2 चौक 8 4:1 एक आएगा, ठीक है सॉरी 4:1 और अब इधर का पूछा उसने, तो लड़कों का पूछा ना, तो 4 ऊपर आएगा और 4 ने 5 नीचे आएगा और 200 आएगा, 1 5 5 2 5 चौक 20 4 चौक 16 160 लड़के कितने 160 हो गए, ठीक है ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और आ गया, तो सबसे फर्स्ट में अपना हल किया था, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और 7:3 है, दोनों को अगर मिलाए किस अनुपात में मिलाए कि किस अनुपात में मिलाए,
नए तीसरे बर्तन मिलाया गया। एक बर्तन तो ये वाला हो गया और ये बी वाला हो गया और एक सी वाला बर्तन है, बड़ा बर्तन, ठीक है। अब इस वाले अनुपात, इसमें कितना अनुपात है? 2:3 है, ये तो है 2:3 है, और ये इसमें कितना है? 7:3 है। तो इसमें कितना हो जाए बताना, पूछा उसने, इसमें कितना हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अपन लेंगे मिल्क अनुपात वाटर, मिल्क अनुपात वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखना कि कुछ नहीं करना, ये संख्या, ये संख्या, 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो 10 का गुणा इस पूरे में कर दें, और 3 और 2 5, 5 का गुणा इस पूरी संख्या में कर दें, ठीक है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। देखिए 10 7 3 10 हो गया है ना, 10, तो 10 2 20, पहले मिल को पर रहेगा, 10 2 20 प्लस 10 2 20, जब 10 2 20 और 10 3 30 नीचे, अनुपात में आएगा। इसी तरह 5 और 7 तो 35 और 5 3 15 और 5 का 5 3 और 2 5 और 5 के 5 3 और 1 4 और 5 से काट देंगे इसको, 5 से 11 5 9 45 11:9 कितना है? 11:9 इज द राइट आंसर, 11:9 इज द राइट आंसर। वेरी इजी ट्रिक है। मेस मिल्क, मिल्क ऊपर रख दो, दोनों का मिल्क रख दो, क्यों 10 2 20, इन दोनों पहले इन दोनों जोड़ दो, तो 7 3 10 हुआ, 10 को इधर दोनों गुणा करेंगे, और ये 2 3 5 इस 5 का दोनों गुणा करेंगे, बस ये ध्यान रखना, यही ट्रिक है, याद रखना, ये भूलने वाली चीज। फिर मिल्क एंड वाटर, मिल्क अनुपात वाटर, पानी, तो 10 2 20, 10 3 30 नीचे लिख दो, ठीक है ना, सीधी सी बात, प्लस 5 से तो 35 अनुपात 15, इन दोनों जोड़ के आया, इन दोनों जोड़ के आया, काट दिए 11:9, तो तीसरे मिश्रण में 11:9 हो जाएगा आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू, और अगला भाग हम पढ़ने वाले आगे हैं।